Dear student of class 6, I hope that you are well and fine. Now today we are going to study chapter 2. Name of your second chapter is Playing with Numbers. In this chapter your first heading factor. What is factor? Product of two or more. Each number is a factor of product. Means किसी भी numbers के जितने भी multiply होते हैं वे factor उस number के factor होते हैं. We can understand with example 8 के factor क्या हैं. 8 के factors 2, 4 and 8. 2, 4, 8. तो ये मल्टीपल जो होते हैं, मल्टीपल मीन्स से हम ये कह सकते हैं या इनको अदर में समझ सकते हैं. 1 8 जा 8 8 and 1 फैक्टर है 2 into 4. 2 and 4 फैक्टर है. तो यहाँ तो 8 के फैक्टर क्या हुए, 1 2 4 8. मल्टीपल से हम समझें तो 1 2 4 8, ये जितने भी उसके मल्टीपल होंगे, मतलब वो नंबर किसके किसके मल्टीप्लाई में आता है, जिस जिस के नंबर के प्रोडक्ट में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, वो उसका फैक्टर होगा. सेकंड एग्जांपल 54. तो 54 2 into 27 3 into 18 6 into 9 1, या तो 1 into 54. तो मल्टीपल जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 2 into 27 54 होता है, 3 into 18 54 होता है, 6 into 9 54 होता है, 54 1 जा 54. तो इसके जो फैक्टर हैं, 54 के फैक्टर जो हैं 2, 3, 6, 54, 9, 18 and 27, ये 54 के फैक्टर हैं. अबाउट फैक्ट we know that factor is a multiple of given number. Factor जो हो के बारे में कुछ जानेंगे, जैसे one is a factor of all numbers. One जो होता है सभी numbers का factor होता है. क्यों? क्योंकि one से सभी number divisible हैं. कोई गिवेन नंबर है, एनी गिवेन नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ. कोई भी नंबर अपने आप का एक फैक्टर है. जैसे 23 से डिविजिबल है, तो वन एंड इट्सेल्फ नंबर इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ एनी गिवेन नंबर. कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल हो या ना हो, लेकिन 1 and 54 से वो डिविजिबल है. टाइप्स ऑफ नंबर, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नंबर. इवन नंबर, फर्स्ट योर हेडिंग इज इवन नंबर. व्हाट इज इवन नंबर? द मल्टीपल ऑफ टू आर कॉल्ड इवन नंबर्स. द मल्टीपल आर टू आर कॉल्ड इवन नंबर, या वी कैन से इन एन अदर वर्ड, एनी नंबर हु डिविजिबल बाई टू. जो भी नंबर टू से डिविजिबल हैं वो इवन नंबर कहल.
इसकी हम बारे में जान सकते हैं, या जिस नंबर के लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे क्या होते हैं? इवन नंबर होंगे। या सेकेंड लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ टू आर कॉल्ड इवन नंबर, या एनी नंबर डिविजिबल बाय टू आर कॉल्ड इवन नंबर, या एनी नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से अगर कोई भी डिजिट लास्ट में है तो वो इवन नंबर होगा। क्यों? क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है। ओके, एग्जांपल, लास्ट डिजिट क्या है? 4, 2 से डिविजिबल है तो इवन नंबर। 100, लास्ट डिजिट क्या है? 0, तो 2 से डिविजिबल है तो इवन नंबर। 504, लास्ट डिजिट क्या है? 4, 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर। ऑड नंबर, द नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज ऑड नंबर्स। इट मींस सिंपल लैंग्वेज, जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड नंबर होते हैं। एग्जांपल, इसको पहचानने का एक और रूल है, इफ एनी नंबर लास्ट डिजिट इज 1, 3, 5, 7 एंड 9, किसी भी गिवन नंबर का लास्ट डिजिट 1 हो, 3 हो, 5 या 7 या 9 हो तो इवन नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9 होने पर वे नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, सो हम कह सकते हैं कि वे नंबर ऑड नंबर होंगे। एग्जांपल, 501, 623, 927, तो लास्ट डिजिट 1, 2 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट डिजिट 3, 2 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट डिजिट 7, 2 से डिविजिबल नहीं। 501, 623 एंड 927 एनी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये क्या होंगे? ऑड नंबर, प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 व्हिच हैज नो फैक्टर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। वी कैन से प्राइम नंबर इज अ नंबर हु डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। जो नंबर खुद इटसेल्फ अपने आप में कटे, डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, तो वे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इट मीन्स जो कि कॉमन में मैंने बताया कि कोई भी नंबर है, किसी से डिविजिबल हो या ना हो, लेकिन 1 एंड इटसेल्फ से तो डिविजिबल है। तो यहाँ पर जैसे जो 1 एंड केवल इटसेल्फ से डिविजिबल है, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहा गया। एग्जांपल, 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31 etc. तो जितने भी नंबर्स हम देख रहे हैं, ये नंबर या तो 1 से डिविजिबल हैं या इटसेल्फ अपने आप से डिविजिबल हैं, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है। कंपोजिट नंबर्स, व्हाट इज कंपोजिट नंबर? नंबर्स विच हैव मोर 2 फैक्टर नोन एज कंपोजिट नंबर। मीन्स ऐसे नंबर्स जिनके 1 एंड इटसेल्फ के अतिरिक्त और भी फैक्टर हैं, मतलब 2 से कॉमन फैक्टर जो होते हैं उनसे अगर ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं तो वे कंपोजिट नंबर होते हैं।
एग्जाम्पल 8, 1 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, ये कॉमन फैक्टर हो गए, बट ये 2 से भी डिविजिबल है और 4 से। हम ये देख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर से अगर ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं तो कंपोजिट नंबर होगा। 25, 1 से डिविजिबल एंड 25, ये कॉमन फैक्टर हो गए, लेकिन ये अदर नंबर से भी डिविजिबल होंगे जैसे 5। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर होने पर, 2 से किसी के भी अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो कंपोजिट नंबर होगा, लेकिन अगर केवल कॉमन फैक्टर ही तक रह गए तो वो प्राइम नंबर होगा। और भी एग्जांपल हैं जो समझ सकते हैं। 21 and 20 इज अ कॉमन फैक्टर, बट 20 इज डिविजिबल बाय आल्सो 2, 4, 5, 10। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर हो रहे हैं 20 के, तो इसलिए अगर 2 से किसी के भी ज़्यादा फैक्टर हो गए तो कंपोजिट नंबर होते हैं। थैंक यू।